नमस्कार, आज हम बताएंगे ब्लाउज के गले में किस प्रकार से पाइपिंग लगाते हैं। तो चलिए देखिए, हमने ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है, बस इसमें हम पाइपिंग लगाना बताएंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम पट्टी निकालेंगे पाइपिंग लगाने के लिए। तो देखिए, जो कपड़ा है बहुत ही लूज है और बहुत ही इसमें खिंचाव है, तो हम और ये भी पट्टी पहले निकालेंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम तिरछे में ऐसे कट करके निकाल देते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। अब इसके बाद जो इसमें कपड़ा बचा है, इसमें हम और ये पट्टी निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम जो जो लूज कपड़े में हम पट्टी निकालते हैं, तो थोड़ा सा बढ़ा के निकालेंगे, 1.5 इंच कम से कम, क्योंकि खिंचाव जब होती है तो इसमें पट्टी पतली हो जाती है, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा चौड़ा करके निकालेंगे। और जो थोड़ा कपड़ा मोटा होता है, तो उसमें हम पतली पट्टी निकालते हैं, जैसे 1 इंच में। तो इसमें हम 1.5 इंच की पट्टी निकालेंगे, तो हमको जितनी आवश्यकता है उतना हम पट्टी निकाल लेंगे। पट्टी को पूरा बराबर निकालेंगे, मोटा पतला नहीं करेंगे इसको। 1.5 इंच है तो 1.5 इंच पूरा, जो शुरू से लास्ट तक पूरा 1.5 इंच का निकालेंगे। देखिए, इस तरह से हमने पट्टी को निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कट लगाएंगे तिरछे में, इस प्रकार से कट लगाना है दोनों साइड। तो देखिए, इस वाले भी पट्टी में हम कट लगाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको रखेंगे। देखिए, एक कोना हम इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरफ से रखेंगे, और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरह से हम बराबर रख के इसमें हम सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे जो कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे जो थोड़ा सा ज़्यादा हम लिए थे, यहाँ पे भी कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पतला हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमने खींच के दिखाया है, यहाँ पे खींचने पे पट्टी थोड़ी सी पतली पड़ जा रही है, इसीलिए हमने 1.5 इंच की पट्टी निकाली है, ताकि कपड़ा कम ना हो। अब देखिए, इसके बाद हम यहाँ से लगाना इसको बताएंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे इस पे, और इसको हम नीचे की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे एक पैर का हम जगह देखिए, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इसको यहाँ पे हम इस तरह से घुमा के लगाएंगे। जहाँ गोलाई है वहाँ पे हम थोड़ा सा हाथ से पकड़ के थोड़ा सा घुमा देंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से पट्टी रखते हुए पूरी हमने सिलाई लगा लिया है। तो देखिए, जैसे हमने वहाँ पे बताया था सिलाई लगाना, उसी तरह से हमने पूरा सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ लास्ट में हम नीचे उसी तरह से मोड़ के अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम छोटा छोटा कट लगाएंगे इसमें, इस तरह से पूरे गले में हम कट लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे जो है कि लगाते जाएंगे कट, ताकि इससे जो हम कट लगाएंगे, इससे जो पाइपिंग है बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है। तो देखिए, इस तरह से हमने कट को पूरा लगा लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से, इस तरफ से हम सीधा करेंगे, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और एक बार इसको हम और फोल्ड करेंगे। देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमने दबाया है और इसको एक बार और फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो पतली सी पाइपिंग निकल रही है, यहाँ पे हम जहाँ एक सिलाई लगी है वहाँ पे एक निशान की तरह है सिलाई का, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल उसी निशान पे। सिलाई हम पाइपिंग पे नहीं लगाएंगे, सिलाई जो बीच का है गैप थोड़ा सा सिलाई का, उसी पे हम लगाएंगे सिलाई। देखिए, इस तरह से सिलाई को हम धीरे धीरे लगाते जाएंगे, और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए जाएंगे। और यहाँ पे हम थोड़े थोड़े दूर पे इसको फोल्ड करेंगे, और जो उंगली से हम इसको थोड़ा सा, देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा उंगली से ऐसे दबा के रखेंगे, ताकि नीचे से कपड़ा जो है खुलने ना पाए। जब खुलेगा नहीं तो दब के सिलाई में अच्छे से सेट हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको आप दबाएंगे नहीं, तो यहाँ पे खुलने की संभावना होती है। इसीलिए थोड़ा सा जो कपड़ा अगर नहीं दब पाता है तो वही बाद में खुल जाता है, इसीलिए इसको हम बहुत सही तरीके से इसको दबाते हुए यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग लगाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने 1 इंच या 2 इंच पे ऐसे हमने कपड़े को फोल्ड किया है, और यहाँ पे हम इसको उंगली से दबा के इस तरह से, देखिए यहाँ पे कहीं भी कपड़ा खुला नहीं है। देखिए, इस तरह से बहुत ही अच्छी पाइपिंग बनी है। तो इस तरह से आप पूरे पाइपिंग को उसी तरह से आप लगाते जाइए, और इस तरह से उंगली से दबाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उंगली से नहीं दबाएंगे तो वही कपड़ा जो खुल जाता है बाद में, वही खुलने लगता है और बहुत ही बेकार लगता है। इसीलिए हम इसको उंगली से दबाते हुए जाएंगे, और इसको सही से सिलाई लगाते जाएंगे।
सिलाई जो पाइपिंग है उसके ऊपर ना होने पाए, सिलाई बिल्कुल बीच में इसके होने चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई को दबाते हुए और यहाँ पे थोड़ा सा घुमाव देंगे, जो यहाँ पे गोलाई है इसको जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा हाथ से घुमा के तब सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने लास्ट में यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड किया हमने कपड़े को और यहाँ पे सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है पाइपिंग को। देखिए इस तरह से हमने आपको पाइपिंग लगा के दिखा दिया। देखिए आप देख सकते हैं आपके सामने इतनी सुंदर पाइपिंग और पतली, कहीं से भी ये सिलाई खुली नहीं है, कहीं से भी कपड़ा खुला नहीं है, बहुत ही अच्छी पाइपिंग बनी है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। तो अब मिलेंगे हम फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।